कितना भी अच्छा आप ट्रेनर हायर कर लो, कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर लो, अगर आपका डाइट टू द पॉइंट नहीं है तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। सॉरी भाई, तुमसे ना हो पाएगा। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पे। एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं हमेशा लाता रहूँगा, आपका फ़ायदा होते रहेगा, तो हर फ्यूचर में आपका फ़ायदा ही होने वाला है। सो गाइज, अभी जो मैं आपको डाइट बताने वाला हूँ वो ऐसी डाइट बताने वाला हूँ जो फ्लेक्सिबल हो, जो आप आराम से इजीली अफोर्ड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कुछ महंगी डाइट बताने वाला नहीं हो, बहुत ज़्यादा कुछ अलग हट के डाइट बताने वाला नहीं हो। गाइस, लास्ट में आपको मैं इतनी अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, रीज़न लास्ट में बताने का, क्योंकि आपको पहले समझा दूँ, आप समझ जाओगे उसके बाद ही बताऊँगा, तो आप बेटर तरीके से समझोगे। एंड अगर आपने ये समझ लिया ना तो गारंटी देता हूँ फैट लॉस करने में आपको और इससे 5-10% आपको बूस्ट मिलेगा एंड आपका फैट लॉस 5-10% जल्दी होगा। तो गाइस, पहली डाइट हमारी होने वाली है चने, काले चने। आपको काले चने को भिगो के रखना है एंड कितना क्वांटिटी में रखना है अभी बताऊंगा इस वीडियो पे। तो काले चने को आपको हाफ कप के करीब रात को भिगो के रखना है एंड आपको इसको सुबह में कंज्यूम करना है, बस इतना ही है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप एक केले ले सकते हो, या अगर आप केले नहीं ले सकते हो तो हाफ कप ओट्स ले सकते हो, उसके साथ एक स्कूप वे प्रोटीन। एंड अगर वे प्रोटीन नहीं है तो भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत लोगों के पास वे प्रोटीन नहीं होती है, बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत लोग स्टूडेंट्स होते हैं, तो वे प्रोटीन हमारा 3-4 हज़ार का एक डिब्बा आता है, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है। आपको 3-4 एग वाइट्स का यूज़ करना है एंड उसमें से एक होल एग आप आराम से यूज़ कर सकते हो। एंड गाइज, अगर आपके घर में ब्रेकफास्ट में रोटी बनी है तो आप 2 रोटी आराम से यूज़ कर सकते हो, ओट्स को उससे रिप्लेस कर देना, 2 रोटी एंड उसके साथ 4 एग वाइट्स, 1 होल एग। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हमारा टाइम आता है लंच करने का। एंड लंच बहुत लोग 1 बजे करते हैं, 2 बजे करते हैं, कोई 2:30 बजे करते हैं या 3 बजे करते हैं, देख लेना जो टाइम आपको सूट करता है उस टाइम पे करना। लंच में हम क्या लेने वाले हैं चलो आपको आगे बताता हूँ। गाइस, लंच में आप ले सकते हो 150-200 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस। एंड अगर वाइट राइस लो सकते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ब्राउन राइस ले सकते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वाइट राइस लो, ब्राउन राइस लो, 150-200 ग्राम। एंड गाइस, चावल के साथ आप ले सकते हो राजमा, राजमा चावल बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप प्रोटीन इंटेक करने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो राजमा को यूज़ कर सकते हो आप चावल के साथ एंड बहुत मज़ा भी आता है, डिलीशियस फूड होता है। हम थोड़ी सी क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी यहाँ पे हम थोड़ी सी कम रख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक फैट लॉस डाइट को फॉलो कर रहे हैं एंड फैट लॉस डाइट में हम कैलरीज को कट करते हैं, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करते हैं कैलरीज को, जिससे कि हमारा फैट लॉस करने में हमें आसानी हो। आप ले सकते हो 150-200 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट। एंड आई नो आप सोच रहे हो कि चिकन आप हर रोज़ नहीं खा सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ, चिकन अगर आप नहीं ले सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 3-4 एग वाइट्स ले सकते हो एंड यहाँ पे 1 होल एग। सो गाइस, अब टाइम है प्री वर्कआउट मील का, जो हमारे लंच करने के बाद आता है, बहुत लोग शाम को जिम जाते हैं तो ये प्री वर्कआउट मील होने वाली है। एंड चलिए आपको दिखाता हूँ प्री वर्कआउट मील में हम क्या ले रहे हैं आज। तो गाइस, प्री वर्कआउट मील में हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड एंड थोड़े से कह सकते हो आप 1/2 स्पून ऑफ पीनट बटर। एंड ये आपकी प्री वर्कआउट मील होने वाली है, इसको एंजॉय करना। इसके बाद हम सीधा जाएंगे वर्कआउट करने एंड वर्कआउट अच्छी तरह से करेंगे, आपको दिखाता हूँ वर्कआउट एंड उसके बाद मिलेंगे वर्कआउट के बाद एंड उसके बाद मील बताऊँगा फिर। सो गाइस, पोस्ट वर्कआउट मील में हम अपने प्रोटीन एंड कार्ब्स का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। प्रोटीन के लिए हम यहाँ पे लेंगे 3-4 एग वाइट्स एंड 3-4 एग वाइट्स अगर आप नहीं ले सकते हो तो कोशिश करना 50 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन आप ले सकते हो तो 50 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन लेना, 1 केला ले सकते हो कार्ब्स के लिए, दैट्स इट। बहुत ये एक बहुत अच्छा पोस्ट वर्कआउट मील है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो अपने फैट लॉस की जर्नी में। उसके बाद हम सीधा मिलेंगे डिनर पे। सो गाइस, टाइम आ गया है अब लास्ट मील ऑफ द डे का, जो कि है हमारा डिनर। एंड डिनर में क्या क्या लेना है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहें। इस डिनर में हम यहाँ पे ले रहे हैं 1-2 रोटी, 2 से रोटी ज़्यादा मत लेना, बहुत ज़्यादा कार्ब्स हो जाएगा, फिर आप ही को दिक्कत होगी फैट लॉस में, क्योंकि
ज़्यादा कार्ब्स मतलब ज़्यादा कैलरीज, ठीक है इतना ही बताऊँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। और एक से दो रोटी आप ले सकते हो, उसके साथ एक कटोरा दाल लेना। मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि एक सबसे बहुत अच्छी टिप बताऊंगा आपको एंड वो सबसे लास्ट में बताऊंगा, तो चलो वो टिप आपको बता देता हूँ। वो टिप ये है, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आप जल्दी फैट लॉस करोगे, अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। थोड़ी सी दिक्कत इन द सेंस मीन्स थोड़ा सा स्लो होगा आपका प्रोसेस, ठीक है। एंड अगर मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होगा तो आप जल्दी फैट लॉस कर पाओगे। एंड मेटाबॉलिज्म कैसे फास्ट होगा, बस खीरे लेने हैं, मूली लेनी है एंड गाजर लेनी है, दैट्स इट। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। सीखना तो मिल ही गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज AKASH।